सो हेलो गाइज, दिस इज प्रखर अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं द गेम शॉप हजरतगंज जनपद मार्केट लखनऊ में। और गाइज, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डील होने वाली है प्री ओन्ड PS4 के ऊपर, बहुत ही बेस्ट प्राइस होने वाला है। तो भैया बताइएगा। सबसे पहले तो थैंक यू प्रखर, हर बार की तरह सारे गेमर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को और शॉप को, थैंक यू सो मच है सबका। PS5 वाली वीडियो पे बहुत सारे गेमर्स आए हैं, बहुत सारे गेमर्स ने उस डील का फायदा उठाया। 14 तक की वो डील है, 14 के बाद वो इस महीने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जो लोग लेना चाहते हैं जल्दी से, 14th इज द लास्ट डे, दोनों फैट और स्लिम के ऊपर जो डील चल रही है, 14 के बाद नेक्स्ट मंथ 10 तारीख तक कुछ नहीं आएगा। तो 30 दिन का पूरा ड्राई है, लगभग ऑलमोस्ट 30 डेज का हो जाएगा। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो PS5 की वीडियो हम लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जो बेस्ट प्राइसेस हैं हम लोग ने उसमें बताए। इसके अलावा PS4 जो कि बहुत मोस्ट डिमांडिंग है राइट नाउ, तो अब गेम्स इस पे आना अभी भी आ रहे हैं। ये नहीं क्योंकि 2K24 आया, FIFA 24 आया, रैग्नारॉक आया और क्रू मोटोफेस्ट आया, मिराज आ गया, काफी गेम्स आए, तो डेड तो नहीं हुआ है। बट ये कि AAA गेम्स नहीं आ रहे और बेटर रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब 60 MHz का सब नहीं है, फ्रेम रेट ड्रॉप करता है हल्का बहुत। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, बजट कम है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ PS4। ओके, हम लोग चालू करते हैं। इसमें बेसिकली 3 मॉडल्स आते हैं, फैट में भी 2 जनरेशन आती है, जनरेशन 1 जनरेशन 2, देन फिर आता है स्लिम, फिर आता है प्रो, प्रो में भी 2 आते हैं, गामा चेचिस एंड उसके पहले वाली फैट चेचिस कहते हैं उसको। तो हम लोग सबसे पहले PS4 फैट की बात करते हैं। PS4 फैट अगर कोई जना लेना चाहता है, प्रखर सील एकदम तुम देख लो और दिखा भी दो अपने साइड, देखिए एकदम सील इंटैक्ट है गाइस, ये जेन्युइन सील है, फेक सील नहीं लगाई हुई है। इसमें बहुत सारा काम दिल्ली लाजपत राय में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, फेक सील लगा के होता है भाई, दिल्ली में ये काम नहीं है। यहाँ पर ये जेन्युइन कंपनी से सील्ड आपको पीस है, जैसा था, बोर हो गया कस्टमर तो उसने बेच दिया या उसने अपग्रेड किया। ओनली 14,500 रुपीज में मिल जाएगा, 14,500 में आपको फैट नॉन रिपेयर्ड, मेरे पास रिपेयर्ड पीस भी है, कोई जना अगर लेना चाहता है 13499 में PS4 फैट सेम आपको मिल जाएगा। उस पर हम वारंटी कवर नहीं करते हैं, एकदम क्लियरली बात बोल रहे हैं, इस पे हमारी तरफ से 30 डेज की वारंटी होती है, 30 डेज वारंटी फैट मॉडल्स के ऊपर। स्लिम मॉडल के ऊपर हम लोग अब 2 महीने की कवर करते हैं और प्रो मॉडल पे भी हम लोग 45 डेज की कवर करते हैं। तो अगर रिपेयर्ड पीस लेना चाहते हैं, 13499 का प्राइस है, पैन इंडिया शिपिंग हो जाती है एट चार्जेबल बेसिस, इसमें डिलीवरी फ्री नहीं है। और नॉन रिपेयर्ड अगर लेना चाहते हैं 14,500 में क्लीन पीस, जिसके अंदर वर्जन 1 ओरिजिनल कंट्रोलर, कंट्रोलर ये वाला गाइस आप देख सकते हैं, बढ़िया कंट्रोलर के भी कंडीशन 1 नंबर। हम लोग इसमें फेक कंट्रोलर नहीं देते, अगर कोई फेक कंट्रोलर लेना चाहता है 1,000-1,500 रुपए का और भी फर्क आ जाता है। अच्छा, तो प्लीज इस चीज को जरूर देखिए जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कंट्रोलर फेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कैसी है। नीट एंड क्लीन पीस है तो 14,500 है। ओके, ये तो वर्जन 1 की बात हो गई। उसके बाद ये फैट का वर्जन 2 है, फैट का वर्जन 2, ये देखिए ये पूरा मैट पे होता है गाइस, पूरा मैट फिनिश पे, ये 1200 सीरीज होती थी, इस पे भी सील इंटैक्ट है। ये कोई 500 GB लेना चाहता है तो 15,500 का है, और 1 TB कोई लेना चाहता है तो 16,500। इसके साथ भी जेन्युइन कंट्रोलर, इसके साथ वर्जन 2 कंट्रोलर है, तो वर्जन 1 नहीं है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो वर्जन 2 कंट्रोलर ले सकता है। और एक बात और भी है कि ये कंसोल्स में किसी भी टाइप की कोई रिपेयर वर्क कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की लाइफ फैट मॉडल्स की कम से कम 3-4 साल अभी भी है, अभी भी है आराम से। और नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं PS4 स्लिम, जो कि सबसे ज्यादा बिका था गाइस, सबसे बढ़िया कंसोल PS4 स्लिम, मस्त कंडीशन है पूरी, इसमें भी सील इंटैक्ट है आप देख सकते हैं। इसमें 16,500 से लेके 18,500 के बीच में मॉडल्स 500 GB 1 TB अवेलेबल है, और डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, क्योंकि स्लिम भी हमारे पास कुछ मतलब ज्यादा चले हुए हैं, कुछ खराब कंडीशन के भी बॉडी डैमेज है, या मान लीजिए कोई हीट ज्यादा कर रहा है, अगर वो मॉडल्स कोई जना लेना चाहता है तो 16 तक के भी मिल जाएंगे, 16 से 18.5 के बीच में स्लिम वेरी करता है विद, ये सब बॉक्सेस में डाल के दिया जाता है, ओल्ड स्कूल टेक्निक, ये सब टेक्निक्स हैं बेवकूफ बनाने की कि वो नया है, ये सब नया नहीं, नया नहीं होता है मार्केट नहीं। में जैसे लोग बेच रहे हैं कि ये बॉक्स पैक है, नया बॉक्स ये वाला नहीं मिलेगा, अगर नया मिलेगा तो वो 3 गेम वाला पैक आता है, कभी कभार वो कभी कभार सर्विस स्टॉक होता है कंपनी एंड के ऊपर। कंपनी ने क्या होता है, टाइम लाइन है, मान लीजिए सपोज करिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कंसोल है, कंपनी ने 100 यूनिट्स बेचे तो इसका 10% बफर वो रखती है सर्विस के लिए, सर्विस सेंटर, तो जब उसका 1 साल उस 100 का पूरा हो जाता है तो उस
जो 10 बचे हुए हैं उन 10 का बफर वो मार्केट में दे देती है सेल के लिए, सेल के लिए, ताकि अब उस 10 का रिपेयर ही तो आएगा केवल, जो भी रिप्लेसमेंट आएगा उसके रेशियो में। तो इस तरह से कंपनी करती है। वो कभी कभार हमारे पास आता है, हम बीच बीच में हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट भी करते रहते हैं। सोनी से 1 ईयर की वारंटी होती है। एक चीज है उसके अंदर जो 3 मंथ्स का PSN कार्ड होता है वो एक्सपायर्ड होता है, क्योंकि वो पहले के सेट्स हैं। वारंटी आज से क्लेम होगी बट आपको उसमें जो PSN कार्ड है वो एक्सपायर्ड मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले के मैन्युफैक्चर्ड होंगे ना, पर पैक्ड होंगे, वो पैक्ड होते हैं, वारंटी क्लेम हो जाती है, डेट एक्सपायर हो जाती है। इसके बाद प्रो आते हैं। प्रो में भी 2 सीरीज आती थी, एक आती थी फैट सीरीज जिसमें CPU वाला पिन लगता था। ये देखो, ये देखिए गाइस, PS4 प्रो और ये वाली फैट पिन होती है, ये वाली पावर केबल वाली, ये पावर केबल वाली है। ये पहले का मॉडल था और उसके बाद इम्प्रूव हीटिंग इम्प्रूव, क्योंकि इसमें आवाज बहुत तेज आती थी। तो ये कोई जना लेना चाहता है 21,000 रुपीस में, 21,000 में गाइस PS4 प्रो। कितना जीबी होने वाला है भैया? 1 टेराबाइट, 1 TB एंड विद जेन्युइन कंट्रोलर, नो फेक कंट्रोलर, जेन्युइन कंट्रोलर। ये देखिए गाइस, मस्त कंडीशन, मस्त एकदम कंडीशन का कंट्रोलर है। और थोड़ी सी प्रो के साथ प्रोसेसिंग क्योंकि बहुत फास्ट करता है, आवाज तेज आती है, तो परेशान उसके लिए बिल्कुल नहीं होने की जरूरत है। हम लोग सील इसकी नहीं खोलते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो नॉमिनल चार्जेस के ऊपर सील खोलकर उसके ऊपर उसका थर्मल पेस्ट चेंज कर दिया जाता है, तो आवाज धीमी हो जाती है, आवाज धीमी और हीटिंग भी कम हो जाती है, लेकिन हम खोलते नहीं क्योंकि सील पैक पीस की एक इंटैक्ट वैल्यू अलग होती है। सील खुल जाता है तो 2-3 हज़ार रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। और इसके अलावा फिर लास्ट में PS4 प्रो वर्जन 2, ये आप लोग ये देखिए गाइस, PS4 प्रो वर्जन 2 जिसमें और स्मॉल पिन है। ये देखिए, इसमें ये पावर केबल की स्मॉल पिन है, ये उसमें फैट पिन थी, इसमें स्मॉल है। और ये देख सकते हो प्रकरण की, इसकी सील भी इंटैक्ट और कंडीशन तो गाइस आपके सामने एकदम चमकता हुआ पीस। तो इसका क्या होने वाला भैया? 22,000 में PS4 प्रो वर्जन 2। तो इनके साथ भी बॉक्स मिलेंगे ना भैया? इन सबके साथ बॉक्स मिलेंगे, बट वो फेक बॉक्सेस होंगे, फेक बॉक्सेस होंगे, ओरिजिनल नहीं होंगे। HDMI, USB, चार्जिंग केबल सब ओरिजिनल मिलेंगी, या अगर ओरिजिनल नहीं होंगी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीजें भी आप काउंट करिए कि नई केबल्स अगर आज आप तीनों खरीदते हैं तो 1,000 रुपए की केवल 3 केबल्स हो जाएंगे ओरिजिनल। हम लोग इसके साथ एक बात और भी है कंट्रोलर्स के साथ, मैं आपको बताऊं कि कंट्रोलर्स में क्या होता है, कई कई बार लोग फेक USB केबल्स देते हैं। केबल जरूर ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी कीमत 450 रुपए होती है, क्योंकि उससे प्रॉपर चार्ज होता है कंट्रोलर और प्रॉपर बैटरी बैकअप देता है। तो एक आप सबसे ये है कि आप लोग जहां से भी लीजिए कंट्रोलर चार्जिंग केबल जरूर ओरिजिनल उसकी लीजिए। तो भैया एक चीज बताइएगा, जैसे बहुत लोगों के PS4 के कंट्रोलर जो होते हैं वो या तो एकदम ही डेड हो जाते हैं, एकदम ही वर्किंग करना बंद हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये कई लोग क्या करते हैं प्रखर, कि वो लोग रादर देन चार्जिंग फ्रॉम दिस PS4 या कि वो लोग आजकल न्यू जमाने के जो नए अडाप्टर्स, हैवी अडाप्टर्स, फास्ट चार्जर्स होते हैं, उनसे यूज करते हैं। तो इसके लिए या तो 5 वोल्ट रिकमेंडेड है जो प्लेस्टेशन देता है आउट, या जो पुराने चार्जर्स आया करते थे ना जो बहुत हल्के होते थे जिसके अंदर केवल 5 वोल्ट जो घंटों में चार्ज किया करते थे, अगर वो यूज करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप कोई फास्ट चार्जर लगाएंगे तो श्योरिटी है कि वो कंट्रोलर खराब हो गई होगा। अच्छा, मतलब मोबाइल के फास्ट चार्जर से इसको नहीं चार्ज नहीं करना है। और उसके अंदर प्रॉब्लम इसके सीधा मदरबोर्ड की IC पे आती है जो कि रिपेयर नहीं होती। अच्छा, इसकी IC रिपेयर नहीं होती, वो उस प्रॉब्लम के लिए नहीं होती है। वो मतलब इतना खर्चा आता है कि आदमी क्या फिर नहीं ले लेना, नया ही कंट्रोलर ले, क्योंकि उतना लॉजिक नहीं है इन्वेस्ट करने का उसके ऊपर। अच्छा, तो जैसे नई क्या बात बता रहे हैं, तो प्रेजेंट अभी 2024 में PS4 के न्यू कंट्रोलर्स ओरिजिनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बहुत कम, कभी कभार आते हैं, एज ऑफ नाउ आज की अगर बात करें तो शायद 1-2 पीस बचे होंगे। अच्छा, आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो अभी तो ये कि आपको रेप्लिका से ही, मतलब या तो प्रियोन खरीदिए, प्रियोन नहीं मिलते हैं तो आपको रेप्लिका से काम चलाना। तो प्रियोन में तो ओरिजिनल मिल ही जाते हैं, वो मिल जाते हैं। वो 2000 से लेके 3000 के बीच में वर्जन 1 या वर्जन 2, डिपेंडिंग बैटरी लाइफ, एनालॉग कभी रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो 2000 से 3000 के बीच में ओरिजिनल कंट्रोलर्स आप लोग को मिल जाते हैं। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी PS4 पसंद आ रहा हो, जल्दी से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और द गेम शॉप के इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।